गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जामिन यूट्यूब चैनल पे। तो आ चुका हूं आप लोगों के बीच फिर से मैं एनटीपीसी की एक सीरीज और लेकर। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग फटाफट आइए, करते हम लोग इन क्वेश्चंस को, ठीक है। फिर से बढ़िया बढ़िया सवाल मैं लेकर आ गया हूं। सबसे पहला जो सवाल है वो 0.9 बार, और फिर उसके बाद दिया है आपको 0.09 बार, और फिर है 0.09 बार, ठीक है। तो अब देखो, ये जो आप लोगों को दिया गया है इसको कैसे करना होगा आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब ये तो भाई 9/10 लिखोगे, जब इसको लिखना हो तो भी नंबर जो भी लिखा आपने उसको लिखो, और जितने नंबर पे बार लगा है उतने 9 आता है बेटा। ये एक्चुअल में 1 है, ठीक है। और इसी प्रकार से बताओ, ये जो है जो नंबर है उसको पहले आप लिख लो, ठीक। इसके बाद जितने पे बार नहीं लिखा उसको माइनस करो भाई, जिस पे बार है वो लिखो और जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करो, और बटे में जितने पे बार है उतना 9 और जितने पे बार नहीं है उतना 0। एक नंबर पे बार है तो 9, एक नंबर पे बार नहीं है तो उसकी जगह पे 0 लिखोगे, ठीक है। यहां की अगर हम बात करें तो 9 बाई और जितने नंबर पे बार है उतने यहां पे 9 लगा दो, बस सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बताइए कि ये 9/10 हो गए, 1 होगा ये, जबकि 9/90 जो कि 1/10 होगा, और ये आपका 1/11 हो गया। तो खुद सोचो भाई, इन सभी में बड़ा कौन है? 1 है, पर यही हमसे पूछा था। तो 1 इसका बिल्कुल मतलब इसका 0.9 बार यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल, दो संख्याओं का लघुत्तम 48 दिया है और वे संख्या 2-3 के अनुपात में हो तो बताओ उनका योग कितना होगा, ये हमसे बोला गया है, ठीक है। कैसे करेंगे ये जानते हैं, सभी लोग ध्यान से देखो भाई सभी लोग। तो इसको करने के लिए ये बताओ कि अगर ये एलसीएम 48 कह रहा है और दोनों संख्या का अनुपात 2-3 दिया है, तो भाई पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली संख्या अगर 2a होगी तो दूसरी संख्या 3a होगी। अब बोलोगे कि सर आपने 2a 3a क्यों, भाई जाहिर सी बात है भाई रेशो में तो 2a 3a ही ना लेंगे, है ना। और ये बताओ अगर मान लो कि आप इन दोनों का एलसीएम अगर लेके चलते हो तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6a होगा, और यही 6a जो है 48 दिया है तो बताओ a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। अगर ये 8 होगा तो ये कितना होगा, 16, और ये कितना होगा, 24। और सवाल में आपसे पूछा है कि बताओ दोनों का योगफल, तो बताइए कि 24 और 16 का जोड़ोगे तो सवाल का उत्तर बच्चों 40 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। अगला सवाल, ये सवाल मेरे को जहां तक याद आ रहा है कि हम लोगों ने कर लिया था, क्या आपने किया है ना, लेकिन मेरे को जहां तक याद आ रहा है हमने कर लिया था। कैसे करेंगे ये जानते हैं, ठीक है। कह रहा है यदि 14.35 माइनस 1.956 माइनस का x, देखो 14.35 माइनस 1.956 माइनस माइनस प्लस x, ठीक है, और माइनस का 83.92, और फिर उसके बाद बोला है इज इक्वल टू 3.858, तो x का वैल्यू पूछा है क्या होगा, ठीक है। x का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, कैसे करेंगे ये जानो बच्चों। ये बताओ सिंपल, इसमें यार कुछ नहीं है, कैलकुलेशन के अलावा और कुछ भी नहीं है, है ना। अब बताओ कि x इज इक्वल टू, सबसे पहली चीज देखो यहां पर 83.92 दिया है, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा इसको लिख लो, ये भी उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो 1.956 लिख लो, ठीक है। इसके बाद ये बताइए कि ये जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये वाला तो प्लस में हो गया और ये वाला भी ऑलरेडी प्लस में है तो 3.858, है ना, और ये वाला जाके माइनस में हो जाएगा, तो चलो इसको बाद में देख लेंगे। तो बताओ 8 और 6 14 होगा, और बताइए 5 5 10 2 12 बचा 1, 9 9 18 और 8 26 और 1 27, बताओ। तो ये बताइए बचेगा 2 3 3 6 1 7 और 7 और 2 9 और ये हो गया 8,
है ना, और इसमें से हमें घटाना है 14.35 को, 14.35 को घटाओगे तो चार बारह में पांच या सात, है ना। तो ऐसा देखते रहो कि भाई ऑप्शन में कुछ ऐसा होना भी तो चाहिए, है ना। और फिर उसके बाद बताओ कि सात में तीन गया चार, नहीं यहाँ पे छह में तीन गया, तो छह में तीन गया 3.374, कहीं दिख रहा है, कहीं गड़बड़ हो गई क्या? चलो देख लेते हैं फिलहाल। अब बताओ बच्चों कि यहाँ पे 9 में 4 गया 5 और 8 में गया 7, 75.374 आ रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 384 इसने दिया है, यानी कहीं हमने कुछ हो सकता है मिस्टेक जरूर किया होगा, देख लेना 75.384 इसका सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो इसे देख लेना 14.35, 8 से 14, 5 5 10, 10 2 12, 12 और 1 13, है ना। तो देखो भाई मैं कह रहा था कुछ तो गड़बड़ हुई थी, तो 75.384 इसका बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला सवाल, और भैया तुम्हें भी जवाब देना है, चुपचाप सोले मूवी नहीं लगी है कि तुम चुपचाप बस आके बैठ के देखोगे, है ना। चलिए ये देखो भाई सभी लोग, रूट टू का वैल्यू 1.414 दिया है, तो बताइए ये जो दिया है इक्वेशन इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, कैसे करोगे ये जानो। रूट एट को टू रूट टू लिख सकते हो, बताओ हाँ या ना। अब बोला है कि दो रूट 32, तो 32 यानी कि 16 दूनी 32, 16 बाहर जाएगा तो 4 होगा और 4 दूनी हो जाएगा 8, तो यानी कि अगला वाला 8√2 होगा, ठीक। इसके बाद बोला है 3 √128, बोलो हाँ या ना, है ना। तो बच्चों ये बताइए कि 128 का मान लीजिए फैक्टर करोगे, तो हमें पता है कि इस 128 का फैक्टर अगर किया जाए तो बताओ भाई 2 की पावर 5 32, 2 का पावर 6 64 होता है और 2 का पावर 7 128 होता है, ये 2 का पावर 7 आएगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो बच्चों एक चीज मेरे को एक बताओ कि यहां पर सभी मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 64 × 2, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस 4 इसको मैं 25 × 2 लिख सकता हूं। अब बताओ 8 और 2, इसको पहले ये लिख लो, ठीक है, 64 बाहर आएगा तो 8 आठियां 24√2, और ये बताइए 5 बाहर आएगा 5 चौके प्लस 20√2, बोलो हाँ या ना। तो बच्चों आपके पास 24 में 20 गया माइनस का 4 और 10 में से 4 गया तो 6√2 और 6 × √2 का वैल्यू ये 1.414 दे रहा है ना। 6 चौके 24, 6 कम 6 दो 8 और 6 चौके 24 और 6 कम 6 और 2 8, 8.484 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक। चलो अब हम लोग इसको करते हैं, औसत का सवाल है ये, है ना। एनटीपीसी का एग्जाम जो है, मतलब जिस तरीके के सवाल अभी आजकल में पूछ रहा है, हमें उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके के सवाल भी एनटीपीसी रेलवे जैसे पेपर में पूछेगा, लेकिन वो पूछ रहा है ना। तो इसीलिए मैं कुछ ना कुछ अलग अलग टाइप के अलग अलग लेवल के क्वेश्चन आपके बीच लेकर आते रहता हूं। चलो ये देखो, ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि ए को सी से बदल दिया जाए तो औसत 19 हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि तथा इसमें सी और ए की औसत आयु 21 वर्ष है, तो एबीसी की ए बी तथा सी की आयु क्रमशः कितनी कितनी होनी चाहिए, यह हमसे पूछा है। तो बच्चे बताओ कि ए और बी का औसत आयु अगर 20 वर्ष है तो सम कितना होगा, 40 होगा, और ए और सी से बदल, मतलब ए को सी से बदल दो, ए को सी से बदलोगे बचेगा कौन, बी, है ना। औसत कितना हो जा रहा है, 19, यानी कि हो जाएगा 38, ठीक है। और फिर ये कह रहा है कि इसमें सी तथा ए की औसत आयु 21 वर्ष है, तो बच्चों ये बताओ अगर मैं दोनों इक्वेशन को घटा दूं, बी कैंसिल, तो ए माइनस सी इज इक्वल टू 2, और हमसे ये बोला कि ए और सी की औसत आयु 21 है, यानी कि सम कितना होगा, 42, तो यहां से ए का आयु आ जाएगा, सी कैंसिल हो गया, 2a बराबर में 44, ए का वैल्यू आ जाएगा 22,
ए का वैल्यू अगर 22 आया तो यहां से हमारे पास सी का भी वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। क्यों 20? क्योंकि ए और सी के बीच में अंतर देखो 2 का होना चाहिए, ठीक है। अब बी का वैल्यू अगर निकालना है तो क्या करोगे, अगर सी 20 है तो ये बताइएगा कि बी और सी मिलाकर 38 है तो बी का वैल्यू कितना होना चाहिए 18। बोलो हाँ या ना। तो यानी ए का 22, बी का 18, सी का 20, थर्ड ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है। तो यार बहुत ही आसान सवाल था ये, है ना। चलो अब हम लोग करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, ठीक है, देखो ये जान लो, जितना जल्दी सवालों को करोगे उतना फायदे में रहोगे, आपको मैं पहली बता दे रहा हूं, ठीक है। राम तथा श्याम की 15 वर्ष पहले की उम्र का अनुपात 2:5 था। चलो भाई, राम श्याम ये 2 और ये 5, 15 साल पहले, ठीक है। उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 5:8 है, तो ये 5 और ये 8 और ये 0, ठीक है। श्याम की वर्तमान उम्र कितनी होगी ये हमसे बोला है, तो बच्चों ये बताओ, इन दोनों का अंतर 3, इन दोनों का अंतर 3, बराबर, इन दोनों का 3, इन दोनों का भी 3, एकदम बराबर। तो हमें ये अंतर लेना है, तो 3 बराबर 15 करोगे तो 1 बराबर मेरे भाई 5। अब 15 कैसे पता ही आपको, डिफरेंस है ना। 1 अगर 5 तो सवाल में बोले श्याम की वर्तमान उम्र, श्याम की वर्तमान उम्र मतलब 8 का वैल्यू कितना होना चाहिए 40। 40 सही जवाब, ठीक। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ये देखो भाई सभी लोग, इसमें क्या कह रहा है, कह रहे 125 गैलन शराब तथा पानी के मिश्रण में पानी 20% है, ठीक है। मिश्रण में कितना पानी और मिला दो, यानी कि पहले 20% पानी था, मिला रहे हो अगर और पानी, यानी कि 100% पानी मिला दो, है ना, जिससे कि मिश्रण में पानी की प्रतिशत 25 हो जाए। तो यहां पर बीच में लिखोगे 25, लगाओ एलिगेशन, 100, 25, 75, इन दोनों का अंतर 5, है ना। तो बताइए 5 के पहाड़े में 15 बार में, और हमें इस 15 का वैल्यू 125 दिया है, तो 15 अगर 125 के बराबर तो 1 होगा 125/15, है ना। 5 के पहाड़े में 3 बार में, 5 के पहाड़े में 25 बार में, सवाल का उत्तर 8.33 आएगा, यही है ना, 3/24, हाँ यही आएगा। तो 8.33 गैलन बिल्कुल सही जवाब होगा इसका, ठीक है। चलो भाई ये सवाल करके मेरे को बताओ, ऐसा सवाल मेरे को याद आ रहा है कि मैंने आपको करवाया भी था, है ना, बहुत ज्यादा अभी दिनों की बात नहीं हुई है ना। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पे, जबकि 1/4 भाग 8% पे, और शेष भाग 10% पे, ठीक है, और टोटल वार्षिक आय 561 रुपए है, तो बताइए पूंजी कितनी होगी। ये बोला है भाई कैसे करोगे। अब देखो इसका एक ट्रिक भी बता देता हूं, है ना, इसका एक ट्रिक भी बता देता हूं, अगर पसंद आए अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, है ना। बच्चे बताओ कि जैसे 1/3 भाग बोला है, एक जगह 1/4 भाग बोला है, मान लीजिए कि टोटल 12 भाग है, ठीक, तो एक जगह 1/3 भाग तो यानी कि 4 हो गया, एक जगह 1/4 भाग यानी कि 3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 5, क्लियर। अब बताओ कि 7% ये हो जाएगा, ये वाला 8% और ये वाला 10%, है ना। तो बच्चे ये बताओ कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक ओवरऑल भी तो परसेंटेज दर बनेगा, तो हम वो ओवरऑल निकाल लेते हैं। कैसे, इन सभी के बीच में कोई भी एक संख्या मैंने 8 मान लिया, ये कितना कम है, ये 1 × 4, ये कितना 0 × 3, और ये कितना, ये देख रहे हो 2 × 5, है ना। तो ये माइनस का 4, ये तो 0 ही हो गया, और ये प्लस का 10, 10 में 4 गया, प्लस का 6, बटे में 4, 3, 7, 5, 12, तो यानी कि 8.5%, और ये 8.5% को हम सीधा 561 के बराबर लिखेंगे और 100% का मान निकाल लेंगे, ठीक है। दशमलव को हटाओ, 0 लगाओ, 17 से 5 बार में, 17 × 51 और 17 × 51, ठीक, 5 से जाएगा, 5 × 10 = 200 बार में, तो 33 × 6600 सवाल का सही जवाब। ये सबसे बेस्ट मेथड है करने का इस सवाल, ठीक है।
ये जो मेथड है ये सबसे बेस्ट मेथड है। इस तरह का सवाल आजकल बड़ा पेपर में पूछ भी रहा है, ठीक है। मतलब एसएससी में पूछा है, रेलवे में तो अभी लाल नहीं देखा गया कभी ना, लेकिन रेलवे भी भाई अब अपना तरक्की पे है, ऐसी बात नहीं है। वो भी अच्छे अच्छे लेवल के सवाल दे रहा है क्योंकि टीसीएस के हाथ में टेंडर पड़ा हुआ है, ठीक है। टीसीएस जो जो एग्जाम कराएगी पेपर अच्छा लेवल का देगी, ठीक। यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य पर बताओ कितना होगा। बहुत आसान सवाल शायद हो भी रखा है। तो 20% मतलब 1/5 है ना, तो बिक्री मूल्य पर कितना ये बताओ। ये सीपी होता है और ये प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट तो नहीं बदलेगा, 1 ही रुपए का होगा, लेकिन बिक्री मूल्य पर तो यहाँ पे नीचे 6 लिख दो, यहाँ पे 100, आंसर हो जाएगा 16 सही, तो 2/3। ये इसका बिल्कुल सही जवाब। चलो अभी समतुल्य बट्टा का सवाल आ रहा है पेपर में, है ना। 15% 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकल बट्टा बताओ क्या होना चाहिए। तो कैसे करोगे, 15% 10%, ये कितना होता है 3/20, ये कितना होगा 1/10। 20 का समान 3 की छूट में बिका 17 में, 10 का समान 1 की छूट में बिका 9 में, है ना। कटा तो काट दो, नहीं तो कोई बात नहीं, ये 200 का हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, सॉरी 153, बताओ हाँ है ना, ठीक है, क्लियर है बात। अब बच्चे बताओ कि 200 का समान अगर 153 में बिकेगा तो कितने का सीधा सीधा छूट दिया गया। तो जाहिर सी बात है यहां पे छूट जो दिया गया वो 47 का छूट दिया गया ना, और 47 का छूट 200 पे दोगे तो परसेंटेज में निकाल लो, 2 से 2 दुनी 4, 2 3 6 और 2 5 10, 23.5% का छूट होगा, ठीक है। चलो ये सवाल देखो भाई सभी लोग फटाफट। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता, बताइए उधार दी गई राशि कितनी थी, है ना। बहुत आसान सवाल। तो बच्चों ये बताओ कि यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पे देते तो ये बताइए कि जो 540 रुपए जो ब्याज आ रहा है ना, वो अधिक आ रहा है किसकी वजह से, 2.5% बढ़ा देने की वजह से। ये बताइए साल भर में 2.5% अगर अधिक ब्याज होगा तो 3 साल में कितना होगा, 7.5%, है ना। और यही 7.5% 540 रुपए के बराबर है ना, मूलधन निकालना है 100% निकाल दो, आंसर आ जाए 540/7.5 × 100, 10 दशमलव को हटाओ 0 लगाओ, 25 से 3 बार में 25 से 4 बार में, ठीक है, 3 से 180, 18 × 72, 7200 सही जवाब, ठीक 7200 बिल्कुल सही जवाब। चलो ये देखो भाई, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो बताओ ब्याज की समान दर पर वह कितने वर्षों में 8 गुनी। तो इसका मतलब क्या है, 5 ईयर्स में 2 गुनी मतलब 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 3 भाई, 8 गुना मतलब 2 की पावर 3 है ना। तो ये बताइए क्या करना है, इस 5 को 3 से गुणा कर दो 15 साल में। अभी पेड बैच में कुछ ही दिन पहले बताया था मैंने आपको, सीआई में कल ही परसों से, क्यों ये ट्रिक अजमाओ आंसर पाओ। चलो नए वाले पेड बैच में टाइम एंड वर्क पढ़ा ही रहा हूं, है ना, हलवा बना दोगे भाई पेपर का तुम तो, एक बार मैं इसे पढ़ लिए तो, गलत बोल रहा हूं। चलो फिलहाल ये सवाल देखो, एक कार्य को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं, ठीक है, यदि ए और बी मिलकर वह कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो अकेले बी वह कार्य
करने में कितना समय लेगा, तो बताइए ए है बी है, अगर ए को x दिन लगेगा तो b को x प्लस 10 दिन लगेगा, लगेगा बोलो हाँ या ना, क्यों, क्योंकि इसने बोला है कि a को 10 दिन कम लगते हैं, ऐसा बोला है सवाल ने, बताइए। अब बच्चों ये बताओ कि a तथा b दोनों मिलकर कार्य 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ऐसे ही करोगे ना, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू वर्क ओपन एफिशिएंसी, टाइम 12 है, वर्क है x, x प्लस 10 और एफिशिएंसी दोनों को जोड़ दो तो 2x प्लस 10, ठीक है। तो यहां से ये बताइएगा कि यहां पे x का वैल्यू निकाल लोगे तो वही है कि एक x का वैल्यू 20 आएगा तो दूसरा 30 हो जाएगा, है ना, मतलब कि यहां पर क्वाड्रेटिक बन जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं कि क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो हम सीधा सीधा यहां पर क्या करेंगे, आप यहां से सॉल्व कर लेना, आप ना ऑप्शन से वैल्यू को भी रख सकते हो, जैसे मान लीजिए यहां पे 20 रखो, देखो तो ये कितना हो जाएगा 30, 20 दुनी 40 यानी कि 50, 0 0 कैंसिल। अब बताओ 5 से कितने बार में 4, 4 3 12 यानी कि देखो x का वैल्यू 20 सेटिस्फाई करेगा, अगर x का वैल्यू 20 होगा तो b कितने दिन में करेगा, 30 दिन में, ठीक। हमसे पूछा क्या था, b का ही पूछा क्या था, खत्म हो गए सवाल, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हो। ये सवाल शायद मुझे जहां तक लगता है कि हो चुका है ना, शायद एक नहीं दो दो बार हो चुका है, तो देख लेना आप लोग। तो ये सवाल तो भैया खुद ही करना है, पहले भी हो चुका है क्योंकि, ठीक है। ये वाला सवाल करते हैं बच्चों, काफी आसान सा ही सवाल है, ठीक है। 240 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंबे को 16 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति बताओ, यार इससे आसान सवाल क्या हो सकता है, तो बताइए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस है 240, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, किलोमीटर पर आवर में बताने के लिए इसको 18/5 करना ना भूलना, ठीक है। अब बच्चों ये बताओ कि जाएगा ना 4 से 4 बार में, ये 60 बार में, 4 से 15 बार में, 5 से 3 बार में, 18 कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। 54 किलोमीटर पर आवर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक। चलो जरा ये सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में उसे 1 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थान कितनी दूर होगा, है ना। बच्चों देखो आने और जाने में अगर 1 घंटा लग रहा है, ठीक है, कैसे करेंगे इसको, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, डी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई डेल्टा, सॉरी डेल्टा टी नहीं टी, ठीक, टोटल टाइम। अब बताओ कि शांत जल में 5 की रफ्तार है और धारा की गति 1 है ना, तो आप मेरे को बताइए कि जब वो जाएगा तो एक बार में, मतलब जब वो एक तरफ जाएगा तो डाउन पड़ेगा, तो दूसरी तरफ मतलब जब उधर से इधर आएगा तो अप पड़ेगा। अब 5 शांत जल में नाव की रफ्तार है और 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की रफ्तार है, तो कुल मिलाकर ये हुआ कि 6 की रफ्तार से जाएगा तो वापस आएगा 5 में से 1 गया यानी कि 4 की रफ्तार से, और बताओ 6 और 4 10, और ये बताइए कि कितना समय लग गया यहाँ पर, 1 घंटा, है ना, आने जाने में उसको 1 घंटे का समय लगता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1, तो बताइए 6 चौके 24 यानी कि 2.4 किलोमीटर सवाल का सही जवाब। थर्ड ऑप्शन में आपको दिया है, चलो ये देखो भाई, ये आपके एपी का क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन शायद मैंने करवाया भी है आपको, है ना, जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाया था तब। किसी समांतर श्रेणी यानी एपी का पहला पद 22 है, तो बेटा पहला पद 22 इसने कह दिया, तो ए का वैल्यू हमने 22 लिख दिया, ठीक है।
और अंतिम पद माइनस इलेवन है, अंतिम पद मतलब एनथ टर्म माइनस इलेवन है। ठीक, यदि श्रेणी का योगफल 66 है, मतलब यही जो श्रेणी है इसका योगफल इसने मतलब सम ऑफ एनथ टर्म 66 दे दिया। ठीक, तो बोल रहा है कि पदों की संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी, है ना, तो एन का वैल्यू बताओ भाई कितना होना चाहिए। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एल। अब मेरी बात सुनो, एन नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, ए फर्स्ट टर्म होता है, एल लास्ट टर्म होता है, और सब कुछ हमें दिया है, तो बताइए एस एन 66 है, एन बाई टू, ए फर्स्ट टर्म यानी कि 22, एल लास्ट टर्म यानी कि माइनस इलेवन। ठीक है, तो बच्चे बताओ 66 दुनी 132 होता है, ये n हो गया, 22 में 11 गया, 11 बचेगा, 11, 11 से कितने बार में 12, तो यानी n का वैल्यू आ जाएगा 12, 12 इसका बिल्कुल सही जवाब। तो भैया एपी के सवाल के लिए भी तैयार रहो, आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये वाला आटो क्वेश्चन, ठीक है इसे करो, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो साइन की पावर एन और कोसेक की पावर एन का मान क्या होना चाहिए, ये हमसे पूछा है। ठीक है, बच्चों साइन को अगर मैं ए मानूं तो कोसेक 1 बाई ए होगा, और जब भी ये होता है तो ए का वैल्यू 1 होता है, और ए का वैल्यू 1 का मतलब क्या है कि अब ये साइन की पावर एन दे दे, कोसेक की पावर एन दे दे, चाहे कुछ दे दे, बेटा इसका जो सही जवाब होगा वो 2 ही होगा हमेशा। ठीक है, चलो ये देखो, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 90 है, एंगल सी 55 है, एडी बीसी के परपेंडिकुलर है, तो बी ए डी का मान बताओ। तो ये बताइएगा ए बी सी, है ना, तो एंगल ए 90 है, चलो भाई काफी आसान चीजें कर दिया, एंगल सी 55 है, खुद सोचो भाई अगर ये 55 है ये 90 है तो ये कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। ठीक, सवाल कह रहा है एडी बीसी के परपेंडिकुलर है, एडी बीसी के परपेंडिकुलर मतलब यहां से ही ऐसे, परपेंडिकुलर मतलब ये 90 होगा। ठीक है, तो बी ए डी का मान बताओ, बी ए डी, अब बताओ बच्चों बी ए डी का मान हमसे पूछा जा रहा है, कैसे निकालोगे बी ए डी का मान, तो खुद सोचो भाई ये 90 है ना, ये 35 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 55 होगा भाई, कितना आसान सवाल। ठीक है, चलो ये देखते हैं, फिर टू रूट थ्री यूनिट भुजा वाले एक समबाहु ट्रेंगल एबीसी के अंतर्वृत्त की त्रिज्या x सेंटीमीटर है, तो x का मान बताओ। ठीक है, अब देखो अगर त्रिभुज समबाहु हो, है ना, तो अंतर्वृत्त जो होता है वो a बाई टू रूट थ्री होता है, जहां पे a जो होता है आपका ये क्या होता है, साइड होता है, और साइड यहां पे टू रूट थ्री दिया हुआ है, तो यहां पे टू रूट थ्री आ जाएगा, और ये टू रूट थ्री नीचे है ही, ये आपस में कैंसिल होगा, तो यानी कि इसका इन रेडियस 1 यूनिट आएगा। चलो बच्चों ये सवाल ना अधूरा, मतलब किसी और सवाल का किसी और में आ गया है। ठीक है, मतलब ये सवाल पूरा नहीं है। ठीक है, चलो ये देखते हैं, दो किलोमीटर 5 मीटर, 2 किलोमीटर 5 मीटर किसके बराबर होगा, है ना, तो बच्चों ये बताओ कि जैसे 2 किलोमीटर, चलो ठीक है, 5 मीटर को अगर तुम चेंज करोगे किलोमीटर में, तो ये बताइएगा कि हमें पता है कि भाई 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो 5 मीटर बराबर कितना, तो 1000 से भाग दे दोगे, है ना, तो आपके पास क्या आएगा, 2 प्लस ये 0.005 आएगा, तो कुल मिलाकर ये 2.005 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ये इसका सही जवाब हो गया लो भाई।
बस खत्म। ठीक है, तो इतने सवाल थे हमारे। ठीक है, आज काफी आसान सवाल थे, है ना। मैं देख रहा हूँ बहुत जल्दी खत्म हो गया ऐसे आसान। ठीक है, तो इसी तरीके से लेते आऊंगा, है ना। कभी कभी नहीं आ पाता तो समझ जाना कि थोड़ा बर्डन ज्यादा हो गया, और कुछ नहीं। ठीक है, और वाकई में समझ लीजिए कि इतनी क्लासेस हो गए कि वाकई में बर्डन बहुत ज्यादा हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। और जाते जाते एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सभी बच्चों को, कि इडियम्स स्पेशल बैच जो कि सिंटू सर आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें वो आपको प्रीवियस ईयर के 1500 से ज्यादा इडियम्स कवर कराएंगे, और पता है सिर्फ कितने में? सिर्फ 49 रुपीज में। इसमें काफी उन्होंने मेहनत की है, प्रीवियस ईयर के पूरा ये कलेक्शन लेकर आ रहे हैं। 49 रुपीज में आप लोगों को पीडीएफ उसी पे मिल जाएगा, आप लोगों को ऐप पे, आप ऐप के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। इसके जो एडमिशन से वो चालू हो चुके हैं, 15 फरवरी से दोपहर 2 बजे से चालू होगा ये। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।